हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन बिथरा बिथरा है। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को ये कुआँ जो पहले के पुराने ज़माने में किस तरह से लोग इसके थ्रू पानी निकालते थे और खेती करते थे, जिस समय कि बिजली का साधन नहीं था और बोरवेल का साधन नहीं था, फिर भी लोग सिंचाई करते थे अपने खेतों को। ये सब खेतों को तो इस कुएं से करते थे, यहाँ पर के जो भी किसान थे इस कुएं से करते थे। और देख सकते हैं कि कुआं काफ़ी पुराना था, टूट फूट गया था, लेकिन इसको हमारे बिहार सरकार के ज़रिए कोई फंड आता है कुएं रिपेयरिंग का, वो उसके थ्रू किया गया है। और यहाँ पे देखिए लगाया गया है चक्री है। ये जो चक्री आप देख रहे हैं, इसी टाइप से चक्री बना होता था जो आप देख रहे हैं, ये वाला चक्री। इस चक्री में लगा रहता था रस्सी और ये कुआं में जाता था, बड़ा सा बाल्टी समझते हैं ना, बाल्टा उस टाइप का, तो कुड़ी बोलते हैं, पहले लट्ठा के ज़रिए चलाता था। तो जहाँ पे लट्ठा का साधन नहीं होता था वहाँ पे इस तरह के चक्री में रहता था और रस्सी को जानवर से बांध दिया जाता था, जानवर से, और पानी भरने के बाद जानवर को दूर लेके जाया जाता था, बैल वगैरह भैंसा वगैरह को पानी बहा रहा था, उसको उलट दिया जाता था, फिर वापस लाता था, फिर नीचे जाता था। उसी तरह से करते हुए सिंचाई किया जाता था। अभी इस कुएँ को शो केस में रखा गया, समझिए एक तरह से शो केस ही है, क्या है कि इसका कोई यूज नहीं रह गया, बस है तो है। देखिए इस तरह से कुएँ के ऊपर ये रट लगा दिया गया है ताकि कुछ इसमें आदमी वगैरह जानवर वगैरह ना गिरे और ये अच्छा से रहे, एक शो केस के जैसा। और आज के डेट में जो सिंचाई होता है अब बोरवेल के माध्यम से होता है, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, वो भी मैं अभी दिखा देता हूँ। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं आज के डेट में जो होता है, देखिए बोरवेल वहाँ चल रहा है इस तरह से, जो सिंचाई के लिए लोग जो होता है, लैंड जो होता है दूर दूर में, गांव से दूर में, इस तरह से एक रूम टाइप का बना दिया जाता है जिसमें कि बोरवेल लगा होता है, बोरिंग होता है, मोटर होता है स्वयं से भी, और ये बिजली के माध्यम से चलता है। देखिए आप देख सकते हैं कि वहाँ पानी निकल रहा है। तो अब वो जो वहाँ है, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वाला कुआँ जो देख रहे हैं आप, ये वाला, इसका ज़माना अब ख़त्म हो गया और अब जो है इस तरह से होता है और खेतों को हरा भरा किया जाता है पटाकर, क्योंकि सिंचाई में पानी बहुत ज़रूरी होता है। देखते हैं फिर आगे कुछ मिल जाए तो मैं आप लोग को फिर दिखाऊंगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और शेयर भी कीजिए। कुछ मिलता है फिर मैं दिखाता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।